टी20 क्रिकेट के विस्फोट बल्लेबाज रहे युवराज सिंह को किंग्स इलेवन पंजाब ने करारा झटका दिया है। फ्रेंचाइजी ने उन्हें आईपीएल 2019 की नीलामी से पहले रिलीज कर दिया है। अब फ्रांस को युवराज प्रीति जिंटा की टीम में खेलते नजर नहीं आएंगे। इसी के साथ भी लगने लगा है कि युवराज क्रिकेट का करियर लगभग खत्म हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले युवराज पिछले सीजन फ्लॉप साबित हुए। उन्होंने आईपीएल के 11वें सीजन में 8 मैचों में सिर्फ 10 के औसत से 65 रन बनाए थे। युवराज का बेस प्राइस 2 करोड़ था और उन्हें पंजाब ने इसी कीमत में हासिल किया था। यह खिलाड़ी हुए बाहर। 36 वर्षीय युवराज सिंह के अलावा बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल, ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवर कप्तान एरन फिंच टीम से रिलीज हो गए हैं। फिंच भी अपनी छवि के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने 10 मैचों में 16 के औसत से 134 रन बनाए थे। अक्षर पटेल एक लौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें किंग्स इलेवन ने पिछले सीजन रिटर्न किया था। वह किंग्स के साथ काफ़ी समय के लिए बाएं हाथ के ऑलराउंडर के लिए पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा और उन्होंने 9 मैचों में सिर्फ 3 विकेट लिए। इसके अलावा 13 के औसत से 80 रन बनाए। रिलीज किए गए खिलाड़ी युवराज सिंह, एरन फिंच, मोहित शर्मा, मनोज तिवारी, वरिंदर सरन, अकलदीप नाथ, प्रदीप साहू, मयंक डांगर और कश्मीर के खिलाड़ी मंजूर डार। रिटर्न गए खिलाड़ी आर अश्विन, के एल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, एंड्रो टाय, मुजीबुर रहमान, अंकित राजपूत, क्रिस गेल और डेविड मिलर। माइकल स्टाइनर्स के स्थान पर बेंगलोर से मनदीप सिंह इस बार पंजाब के लिए खेलेंगे। आईपीएल के 12वें सीजन के लिए नीलामी 17 दिसंबर को जयपुर में होगी। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट।